चलो अच्छे स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो चलिए क्वेश्चन नंबर, देखो 14 नंबर से करना था क्वेश्चन। देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा था वो एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रयत्नाएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रयत्न ज्ञात कीजिए कि नंबर एक है कि समस्या हल हो जाती है। फिर लिखा है दूसरा पॉइंट है कि उनमें से तथार्थ कोई एक हल कर लेता है। तो इसमें ये कह रहा था एक विशेष प्रकार की समस्या है जो दो व्यक्तियों ए और बी द्वारा हल किया जाता है, ठीक, स्वतंत्र रूप से। देखो ठीक, पहले से लिख रखा कि स्वतंत्र रूप मतलब ये घटना कैसी है, स्वतंत्र रूप, स्वतंत्र घटना है। तो स्वतंत्र रूप से देखो हल करने की जो प्रयत्नता है 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों समस्या को स्वतंत्र रूप से हल करने का प्रयास करते हैं तो इस बात की प्रायिकता बतानी थी कि समस्या हल हो जाती है। अब देखो समस्या हल हो जाती है का मतलब है कि या तो ए हल कर दे रही है, ए हल कर दे, या फिर वी हल कर दे, या फिर ए और बी दोनों हल कर दे, इसका ये मतलब है। देख लो क्या समस्या हल हो जाती, मतलब है कि या तो ए हल कर दे ठीक, वी ना हल कर पाए, या फिर ऐसा हो जाए कि बी हल कर दे ए ना हल कर पाए, या फिर दोनों हल कर दे। तुम बोलेंगे कि समस्या कैसी हमारी हल हो गई है। और नीचे वाले केस में क्या कर रहा है, इसमें देखो इसमें कोई एक हल करे, ए हल करेगा तो बी नहीं हल कर पाएगा, अगर बी हल करेगा तो ए हल नहीं कर पाएगा। चलो ठीक है, ध्यान से देखना ठीक। सबसे पहले हम लोग इनके दो, सबसे पहले हम प्रयक्ता लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान देखना, देखो यहाँ पे पी ए के द्वारा हल करने कितनी प्रयक्ता, दो 1/2 और पी बी हमारे पास है 1/3, ये हमारे पास ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसको, देखो ए के हल करने की प्रयक्ता 1/2 है ठीक, और पी बी के हल करने की 1/3 है ठीक। इनके ना हल प्रयक्ता और निकालो ठीक, ना हल करने की प्रयक्ता कितनी होगी पी ए बार, कितना जगह देखो इसको 1 से घटाते थे, 1 माइनस ये होता है पी ए, ये ठीक, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ऐसे। यहाँ पे निकाल लो पी वी बार निकाल लेते थे, ये कितना होगा 1 माइनस पी वी होता है, 1 माइनस पी वी ठीक। यहाँ पे तो इसको सॉल्व कर लेते थे, सॉल्व करेंगे तो कितना जगह, तो ये जगह हमारे पास पी ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे पी ए का मान कितना 1/2, और पी वी का मान कितना देखो, पी वी का सॉरी बार लगाना है, इन पे बार लगेगा ठीक है, फिर बार था। अब पी वी बार की वैल्यू देखो कितनी थी 1 माइनस ठीक, और पी वी की वैल्यू कितनी देखो 1/3 है, ये आ गया हमारे पास। देखो पी ए बार आ गया हमारे पास, पी ए बार कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, और पी वी बार आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा देखो 2/3 आ जाएगा। तो ये देखो ना हल करने की प्रयक्ता देखो ये आ गई हमारे पास। अब देखो ठीक, इसके बाद देखो हम लोग, इसके बाद देखो ये ठीक है, पी ए था हमारे पास, ये था हमारे पास पी बी था ठीक है, यहाँ पे ठीक। इसका देखो पहला वाला पार्टी, देखो फर्स्ट चैटिंग, देखो समस्या हल हो जाती ठीक है, प्रयक्ता निकालने की समस्या हो जाती ठीक है, हल हो जाती है। देखो ठीक, समस्या हल हो जाती ठीक, इसका मतलब है कि मतलब मुझे कम से कम एक व्यक्ति समस्या को हल करना चाहिए, मतलब समझाया ठीक है। समस्या हल का मतलब कम से कम एक व्यक्ति समस्या को हल करे ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कम से कम ठीक है, एक व्यक्ति समस्या को हल करे ठीक है, कम से कम एक व्यक्ति समस्या को ये निकालना ठीक है। अब देखो कम से कम में क्या होता है ठीक, कम से कम में देखो यूनियन होता है, क्या होता है कम से कम में यूनियन, मतलब पी ए यूनियन बी निकालना है, क्या निकालना मुझे पी ए यूनियन बी। चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते, देखो कितना जाएगा, ये जाएगा पी ए प्लस पी बी, और माइनस क्या जाएगा पी ए इंटरसेक्शन वी आ जाएगा। अब देखो ठीक, यहाँ पे पी ए का मान था 1/2, इसका मान था 1/3 ठीक माइनस। अब देखो ये घटना है कैसी, देखो स्वतंत्र घटना है, कैसी घटना है देखो स्वतंत्र, तो यहाँ पे हो जाएगा पी ए इंटू क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा ठीक, ए और बी स्वतंत्र घटना है, ए और बी स्वतंत्र घटना है
तो हमारा जो इंटरसेक्शन होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गुणा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बताया था, ठीक है, पीछे याद, पीछे फॉर्मूला बताया था, अगर घटनाएं स्वतंत्र है तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। तो यहां से सॉल्व कर लो, एक बटे दो एक बटे तीन डी माइनस के एक बटे दो इंटू एक बटे तीन, ये जगह हमारे पास सॉल्व कर लेते, ठीक है, कितना आएगा, एक बटे दो एक बटे तीन माइनस के एक बटे छ, सॉल्व करो दो, ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, ये जगह सिक्स को एलसीएम आएगा, ठीक है, तो ये जगह हमारे पास दो से भाग करेंगे यहाँ पे तीन आएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो तीन लिखेंगे और प्लस, ठीक है, इसका देखो यहाँ पे तीन से भाग करेंगे कितना आएगा, देखो दो आएगा, ठीक है, माइनस ये जगह वन, तो सॉल्व कर लेते, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आएगा पांच माइनस वन बटे में सिक्स, सॉल्व कर लो देखो कितना जाएगा, चार बटे छह, ठीक है, ये आएगा हमारे पास दो बटे तीन आ जाएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है, देखो एक आंसर आ गया, ठीक है, हमारे पास, सॉरी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दो बटे तीन आ गया, ठीक है, इसको काटना था, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है, हमारे पास कितना आ गया, तो दो बटे में तीन आ गया, इसका देखो, इसके बाद इसका देखो सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कर रहा था, ठीक है, प्रायिकता क्या करना, कोई केवल एक हल पाए, ठीक है, उनमें से तथार्थ कोई एक हल करे, ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, तो सेकेंड वाला जो पार्ट है, ठीक है, सेकेंड पार्ट तो यहां पे लिखेंगे, ठीक, किसी एक व्यक्ति, ऐसे लिख दो, ठीक, किसी एक व्यक्ति द्वारा, किसी एक व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति द्वारा, ठीक है, किसी एक व्यक्ति द्वारा, किसी एक व्यक्ति द्वारा, ठीक है, समस्या को हल करें, ठीक है, समस्या को हल करें, ठीक है, हल करें लिखना, ठीक है, कोई देखो, ठीक, किसी एक व्यक्ति द्वारा, ठीक है, किसी एक व्यक्ति द्वारा समस्या को हल करे, ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे अगर ए हल करेगा तो वी नहीं हल करेगा, ठीक है, या फिर ऐसा होगा, ठीक है, कि अगर यहाँ पे वी हल करेगा, ठीक है, तो ए नहीं हल करेगा, देखो ये दो केस बनेंगे, इसको ऐसे लिखना है, इसका मतलब होता है कि ए हल करेगा वी नहीं हल करेगा, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, वी हल करेगा ए नहीं हल करेगा, और देखो यहाँ पे या लगेगा, ठीक है, या लगता है बीच में, तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे देखो पी ए इंटू पी बी बार हो जाएगा, ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि घटनाएं कैसी है, स्वतंत्र घटना है, घटनाएं कैसी है, स्वतंत्र, ठीक है, पी ए बार इंटू पी वी, यहाँ पे पी वी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दो, ठीक है, ए मतलब घटनाएं कैसी है, ठीक है, यहाँ पे लिख देना, ठीक है, घटनाएं स्वतंत्र है, ठीक है, घटना कैसी है, स्वतंत्र है, अब देखो यहाँ पे, इसके बाद देखो यहाँ पे पी ए, ठीक है, पी ए का देखो मान कितना, देखो पी ए का मान था हमारे पास एक बटे दो था, ठीक है, लिखो देखो एक बटे दो इंटू, ठीक है, ये देखो हमारे पास पी बी बार, ठीक है, पी बी बार का मान था दो बटे तीन प्लस, अब देखो पी ए बार का मान कितना था, एक बटे दो इंटू, ये जगह हमारे पास पी बी, ठीक है, पी बी कितना जगह, ये था एक बटे तीन, सॉल्व कर लो देखो कितना जाएगा, ये आएगा दो बटे छ प्लस एक बटे छ, सॉल्व करेंगे देखो तीन बटे छ आ जाएगा, एक बटे दो आ जाएगा, ये हमारे पास देखो आंसर आ गया, ठीक है, देख लो, ठीक है, सब लोग लगा लो जल्दी से, नोट कर लो, इस तरह से लगाना, ठीक है, क्वेश्चन को, और सभी लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछा जाता, ठीक है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, ठीक है, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, लगा लो, ठीक है, नोट करो सभी लोग जल्दी से, आगे लिखो जल्दी से, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ जल्दी जल्दी, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो,
अगले को जल्दी से ये नोट कर लो। चलो चलिए इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 15 नंबर, ठीक है 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है, निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटना ई और एफ स्वतंत्र है। देखो हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है चेक करना है ये घटना जो है ये स्वतंत्र है या नहीं है, ठीक है। देखो तो पहला वाला पार्ट क्या कर रहा है, देखो कह रहा देखो ई, ठीक है निकाला गया पत्ता हुक्म का है, और एफ क्या कह रहा निकाला गया पत्ता कैसा है इक्का का है। चलो देखो ठीक है 10 मिनट सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग ई जो है, ठीक है देखो एनी लिख लो, देखो एनी कितना आएगा, देखो हमारे पास एन ई जो होगा, ठीक है एनी हुक्म के पत्ता, हुक्म के पत्ता 13 होते हैं, ठीक है याद कर लो कितने होते हैं 13। इसका देखो एन एफ कितना हो जाएगा, एन एफ आ जाएगा हमारे पास, इक्का कितने होते, देखो इक्का होते हमारे पास 4, इक्का होते टोटल कितने 4। अब इनका इंटरसेक्शन देखो, ठीक है यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, देखो ई इंटरसेक्शन एफ ये आएगा ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक सच दैट क्या आएगा कॉमन, देखो एक देखो हुक्म का जो इक्का होगा वो कॉमन होगा, क्या होगा हुक्म का इक्का, ठीक यहाँ पे देखो यहाँ पे ठीक हुक्म का जो इक्का होगा वो क्या होगा यहाँ पे कॉमन होगा, यहाँ पे हुक्म का इक्का क्या होगा कॉमन। तो यहां से देखो तो एन ई इंटरसेक्शन जो एफ होगा, ठीक है वो कितना होगा 1 होगा, कॉमन 1 आएगा। अब इनकी देखो प्रायिकता निकालो, ठीक है इसका देखो एन एस कितना होगा, देखो एन एस यहाँ पे लिख लो, ठीक है एन एस, एन एस कितना होगा टोटल पत्ते कितने हैं, देखो एन एस होगा हमारे पास 35 समझ, ठीक है कुल पत्ते हमारे पास कितने होंगे 52 होंगे, ठीक है 52 होंगे लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पीई निकाल लेते हैं, देखो ठीक है पीई निकाल लो कितना हो जाएगा, पीई हो जाएगा हमारे पास देखो 13 यहाँ पे लिखेंगे एनी बटे कितना हो जाएगा एनी बटे एन एस, ये हो जाएगा हमारे पास एनी बटे में एन एस 13 एक बटे 4 आ जाएगा। इसका देखो पी एफ, ठीक पी एफ कितना आ जाएगा, पी एफ आ जाएगा एन एफ बटे में कितना जाएगा एन एस आ जाएगा, एन एफ देखो कितना हमारे पास एन एफ, एन एफ में हमारे पास 4 बटे में एन एस कितने देखो 52 यहाँ पे, ठीक है काट दो, ठीक कितना आएगा देखो 1/13। अब देखो यहाँ पे पी निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, ये देखो हमारे पास एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे में आ जाएगा देखो एन एस, तो यहाँ से देखो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक सॉल्व करो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास सॉरी यहाँ पे दो, ठीक है 1/ कितना जाएगा 52 आ जाएगा, 1/ कितना जाएगा 52 आ जाएगा। तो क्या करना है यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पीई इंटू पी एफ करते, ठीक है इनका गुणा करो, देखो पीई इंटू पी एफ का कितना होगा 1/4 इंटू 1/13 कितना होगा 1/52 आएगा, देख लो ठीक है 1/1 ठीक 52। अब देखो यहाँ पे हमें एक बात पता चल गई, ठीक है तो यहाँ पे क्या पता चल गया कि पीई इंटू पी एफ टी बराबर कितना हो जाएगा, पी इंटू पी एफ बराबर हो जाएगा, देखो 1/52 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/52 को लिख सकते हैं देखो हम लोग पीई इंटरसेक्शन एफ लिख सकते, ठीक है देखो तो ये आ जाएगा हमारे पास पी इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाएगा हमारे पास पी इंटू ये जगह पी एफ हो जाएगा, पी इंटू पी एफ, ठीक है देखो। तो यहां से देखो ठीक है ये कंडीशन किसकी होती थी, ये स्वतंत्र घटनाओं की कंडीशन होती थी, अतः हम लिख देंगे अतः जो हमारे पास घटना है, ठीक है अतः घटनाएं ई तथा एफ, ई तथा एफ ठीक है स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, देख लो ठीक है इस तरह से प्रूव करना, ठीक है अगर ये कंडीशन दो कि पी ई इंटरसेक्शन एफ अगर बराबर आता किसके पीई इंटू पी एफ के बराबर आता तो हम बोल देंगे कि घटना कैसी है स्वतंत्र है। लिखो ठीक नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, अगले को जल्दी से ये नोट कर लो।
आगे को जल्दी से ये नोट कर लो। चलो चलिए इसके बाद देखो अगला पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट देखो चेक करते रहिए। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है देखो, ई पार्ट, ई घटना क्या है कि निकाला गया पत्ता काले रंग का है, ठीक है। फिर कह रहा निकाला गया एफ जो है वो निकाला गया पत्ता क्या है, बांस है, ठीक है। चलो छठी ध्यान रखना, ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कुल जो हमारे पास पत्ते होते हैं, ठीक है, एनएस कितना होता है 52 होता है, एनएस पहले लिख लो, ठीक है, क्योंकि इसका तो यूज ही है, फिर एक जब निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे एन ई निकाल लेते, ठीक है, एन ई कितना होता है, देखो सब लोग याद कर लो, पत्ते जो होते यहाँ पे देखो काले पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं, कितने 26 काले होते, ठीक है। और एन एफ कितना हो जाएगा, तो एन एफ आ जाएगा हमारे पास, एन एफ आ जाएगा हमारे पास, देखो बादशाह कितने होते हैं, बादशाह 4 होते हैं, याद कर लो, ठीक है। देखो 52 पत्तों में से, ठीक है, हमारे पास 26 यहाँ पे लाल होते हैं और 26 से ही कहते हैं काले होते हैं, और 2 बादशाह इसमें होते, ठीक है, 2 काले, 2 लाल बादशाह होते हैं और 2 बादशाह काले होते हैं, तो कुल बादशाह जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। अब देखो कॉमन क्या आएगा, ध्यान से देखो, ठीक है, ये काले पत्ते हैं और ये बादशाह, ठीक है। अगर ई इंटरसेक्शन जो एफ निकालेंगे तो हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, कितना कॉमन आएगा, 2, और वो 2 कैसे होंगे, काले बादशाह होंगे, यहाँ पे लिखेंगे एन पहले ऐसे लिख लो, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, देखो 2 काले पत्ते, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 काले, सॉरी यहाँ पे 2 काले बादशाह, ठीक है, यहाँ पे 2 काले जो बादशाह होंगे, ठीक, वो क्या आएंगे, यहाँ पे कॉमन आएंगे, 2 काले बादशाह कॉमन आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, वो तो ई इंटरसेक्शन जो एफ होगा, ठीक, ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा हमारे पास, ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा, देखो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। अब यहां से देखो हम लोग क्या करते हैं, अब इन सबकी प्रायिकता निकालते, देखो ये जगह हमारे पास पी बराबर हो जाएगा, देखो एन ई बटे में कितना हो जाता है, एन एस, एन ई बटे एन एस, ये जगह देखो हमारे पास कुल, ठीक है, ई मतलब कितना था, 26 और कुल पत्ते हैं 52, काट दो, ठीक है, 26 तो नहीं 52, 1/2। अब पी एफ निकाल लेते, पी एफ क्या होगा, एन एफ बटे में क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा, एन एफ बटे में एन एस, ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास कितना जाएगा, तो एफ में कितने देखो हमारे पास 4 है, ठीक, एन एस कितना था 52, ये जगह हमारे पास 1/13 आ जाएगा, कितना, 1/13, ठीक है, अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद पी इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते, पी इंटरसेक्शन जो एफ होगा, ठीक, वो क्या होगा, एन इंटरसेक्शन एफ बटे में जाएगा एन एस, तो इंटरसेक्शन में दो कितने अभ्यर्थी, इंटरसेक्शन में 2 अभ्यर्थी, ठीक, 2/ एन एस, एन एस कितना दो, एन एस हमारे पास 52, ठीक है, 52 लिख देते, काटो कितना जाएगा, दो 1/26 आएगा, ये आएगा, ठीक है, दो हम क्या करते, देखो यहाँ पे अब हम गुणा करेंगे, देखो यहाँ पे पी ई इंटू क्या कर देते हम लोग, पी एफ कर देते, एनी पी इंटू पी एफ का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो 1/2 इंटू 1/13, ये देखो हमारे पास कितना आएगा, तो 1/ यहाँ पे आएगा, तो 26 आएगा हमारे पास, कितना आएगा, 1/26। अब बताओ, ठीक, इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे देखो कि पी ई इंटू पी एफ, पी इंटू पी एफ बराबर कितना हो जाएगा, अब 1/26, 1/26 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये लिख सकते हैं, देखो, ठीक, तो इसको मैं ऐसे लिख करते लिख देते, इसको ऐसे लिख देते, तो पी, इसको लिखना है ऐसे, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर में आ जाएगा पी ई इंटू, ये जाएगा पी एफ आ जाएगा, देखो, ठीक, और इस कंडीशन से हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये कंडीशन किसकी होती है, स्वतंत्र घटनाओं कंडीशन होती है, पता लिख देंगे, ठीक है, कि घटना है हमारे पास जो ई और एफ है वो कैसी है, स्वतंत्र घटना है, अतः घटना है ई तथा एफ स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटनाएं है, देख लो, ठीक, लगा लो, ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, लिखो, ठीक, नोट करो जल्दी से,
आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए, इसके बाद देखो इसका थर्ड पार्ट, ये देखो ये वाला पार्ट, ये थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है देखो, घटना ई कह रहा है देखो, निकाला गया पत्ता बादशाह या बेगम है, बादशाह या देखो बेगम, ठीक है। तो एफ क्या कह रहा है कि निकाला गया पत्ता बेगम या फिर गुलाम है। चलो ठीक है, देखो ध्यान देखना, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखो, ठीक है, कुल पत्ते लिख लो कितना होता है, एनएस जो होता है, ठीक है, टोटल पत्ते जो होते हैं टोटल 52 होते हैं, 52 होते हैं। तो सबसे पहले एन ई लिखते देखो, ठीक है, एन ई कितना आ जाएगा। देखो हमारे पास कुल बादशाह जो होते थे वो, जो निकाला गया पत्ता देखो बादशाह या फिर बेगम है, ठीक है। तो बादशाह हमारे पास चार होते हैं, बेगम भी कितनी होती है, चार होती है। अब देखो एन एफ, एन एफ कितना होता है देखो, एन एफ जो होता है हमारे पास, जो निकाला गया पत्ता जो है वो बेगम है, ठीक है, या फिर क्या गुलाम है। यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे निकाला गया पत्ता कैसा है, वो बेगम है या फिर गुलाम है। तो कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ पे कॉमन आएगा हमारे पास ई इंटरसेक्शन जो एफ है, ठीक है, ई इंटरसेक्शन जो एफ है वो क्या आएगा, तो कॉमन क्या आएगा यहाँ पे, देखो दोनों में देखो बेगम आ रहा, ठीक है, तो क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पे ऐसे लिखना, ठीक है, बेगम, जो बेगम है, ठीक है, वो कॉमन आएंगे, ठीक है, बेगम का पत्ता, बेगम का पत्ता, ये हमारे पास क्या होगा, कॉमन होगा। तो यहां से एन ई इंटरसेक्शन जो एफ होगा, ठीक, वो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास ये वाला कॉमन आएगा, ठीक है, तो चार कॉमन आ जाएगा, बेगम कितनी होती है, वो चार। अब आ जाओ, ठीक है, देखो इसके बाद क्या करना, देखो यहाँ पे इनको जोड़ लो, ठीक है, इनको जोड़ लेते कितना आएगा, आठ आएगा, और इसको जोड़ेंगे देखो कितना आएगा, ऊपर तो देखो आठ आएगा, ठीक है, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, ये भी आठ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इन सबके देखो प्रायिकता निकालते देखो, ठीक है, इन सबके देखो प्रायिकता निकाल लो, जब प्रायिकता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पीई निकाल लेते, पीई हो जाएगा हमारे पास एन ई, बटे में कितना हो जाएगा, एन एस आ जाएगा, ठीक है, एन एस आ जाएगा हमारे पास, देखो एन ई बटे एन एस, ठीक है, तो एन ई कितना है हमारे पास, आठ बटे में आ जाएगा हमारे पास 52, ठीक है, काटो दो, किससे काटोगे, चार दूनी आठ और चार एक चार, चार तीन बारह, ठीक है, दो बटे तेरह आ जाएगा इसका। तो पी एफ निकाल लेते, ठीक है, पी एफ, पी एफ कितना जाएगा, तो एन एफ बटे में कितना जाएगा, तो एन एस आ जाएगा, एन एफ में हमारे पास कितने, दो एन एफ में हमारे पास आठ हो गए, ठीक है, आठ बटे एन एस में कितने, दो एन एस हमारे पास 52 आ जाएगा। सॉल्व करो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा, काटो यहां से, दो चार से काटेंगे फिर से, ठीक है, यही आ जाएगा, ठीक है, दो बटे तेरह आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अब आ जाओ, ठीक है, अब निकालते हम लोग पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते, ठीक, कितना आएगा, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे में कितना जाएगा, एन एस आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन में कितना कॉमन था, इंटरसेक्शन में देखो चार कॉमन था, बटे में 52 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसके बाद हम लोग यहाँ पे अब देखो क्या करना है, इनका गुणा कर लेते हैं, देखो पी ई इंटू क्या कर लेते हैं, पी एफ, पी ई इंटू पी एफ का गुणा कर लेते हैं, देखो टी ये आ जाएगा हमारे पास दो बटे तेरह इंटू ये आ जाएगा दो बटे तेरह, सॉल्व कर लो, देखो चार बटे डी 169 आ जाएगा, कितना आएगा 169, ठीक है, और इसका दो, ठीक है, और हमें ये पता देखो कि पी ई इंटरसेक्शन जो एफ है, ठीक है, वो कितना है, एक बटे तेरह है, देखो इसकी प्रायिकता तो एक बटे तेरह ही है, ठीक है, यहाँ पे लिखा, इसको काट देते, ठीक है, काटो कितना आएगा, एक बटे तेरह आ जाएगा, काट दो, ठीक है, इसको एक डाल देते हैं और इसको डाल देते हैं हम लोग दो डाल देते हैं। अब समीकरण एक दो से देखो, ठीक है, समीकरण एक और दो से, एक और दो से, ठीक है, जो पी ई इंटरसेक्शन जो एफ है, ठीक है, पी ई इंटरसेक्शन एफ वो नॉट इक्वल टू किसके, पी ई इंटू पी एफ के, बराबर नहीं आ रही है, क्योंकि यहां पे आ रहा था वो एक बटे तेरह आ रहा, ठीक है, और इसका मान कितना आ रहा था, वो चार बटे 169 आ रहा, ठीक है, 169 आ रहा, अतः लिख देंगे हम लोग कि दी गई घटना स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, अतः दी गई घटनाएं स्वतंत्र नहीं, ठीक है, देखो दी गई घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, यहाँ पे
स्वतंत्र नहीं है। देखो ठीक है, दी गई घटना स्वतंत्र नहीं है। चलो ठीक है, जल्दी से नोट कर लो सभी लोग। देखो ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बाद में अपना नोट कर लेना। आगे लिखो जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा ठीक है, इसका देखो अगला क्वेश्चन चलते दो ठीक है। दो क्वेश्चन नंबर 16 ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना ठीक है। दो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है, सब लोग तैयार कर लेना ठीक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है, बहुत पूछा था पेपर में ये क्वेश्चन। देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखो 16 नंबर क्वेश्चन ठीक है। वो एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का और 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। फिर लिखा एक छात्र को यदचा चुना जाता है। नंबर एक कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। नंबर बी देखो ठीक है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की पढ़ने वाली होने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वह हिंदी का अखबार तो पढ़ती है ठीक है, तो उसके अंग्रेजी के अखबार पढ़ने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब सी पार्ट कर रहा, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है चलो ठीक है, ध्यान से देखना ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो सब कुछ डाटा लिख लो पहले ठीक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते, देखो यहाँ पे सिंबल एच लिख देते। देखो एच क्या है हमारे पास, एच ठीक है, हिंदी पढ़ने वाले छात्र ठीक है, हिंदी पढ़ने वाले छात्र ठीक है, यहाँ पे हिंदी पढ़ने वाले छात्र। इसका देखो ठीक है, और ई मान लेते, देखो ई क्या मानेंगे, अंग्रेजी ठीक है, अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र। देखो ठीक, अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र। इसके बाद वो और चलो ठीक है, तो ये हमने मान लिया यहां पे ठीक है। अब देखो ठीक, इनकी सब लोग प्रायिकता, देखो प्रायिकता लिखते, देखो ठीक प्रायिकता क्या आएगी हमारे पास, देखो यहां पे सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम लोग पी एच। देखो ठीक, पी एच कितना हो जाएगा, पीएच देखो पीएच है हमारे पास, हिंदी कितने पढ़ते, देखो 60% पढ़ते ठीक है, तो इसकी प्रायिकता आएगी, देखो 60/100 में लोग क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, 60/100। इसका देखो यहाँ पे, अब देखो पीई, देखो ठीक है पीई कितने हो जाएगा, देखो पीई हो जाएगा हमारे पास अंग्रेजी, दो अंग्रेजी कितने पढ़ते हैं, 40% छात्र ऐसे जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 40/100 लिख देंगे, 40/100 ठीक है। अब आ जाओ ठीक है, इसके बाद देखो 20% ऐसे ठीक है जो दोनों पेपर पढ़ते हैं, 20%, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पी एच इंटरसेशन ई, ये कितना आएगा, तो 20/100 कितना आएगा, 100 आ जाएगा, 20/100 ठीक है यहाँ पे। अब आ जाओ ठीक, अब हमसे देखो क्या कर रहा, एक एक करके ठीक, पहले दो ठीक, पहला पार्ट
सबसे पहला देखो पहला पार्ट क्या कर रहा है, प्रायिकता याद कीजिए ठीक है, वो है ना तो हिंदी का पढ़ती है और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, मतलब ऐसे छात्रों की प्रायिकता याद करनी थी जो ना तो हिंदी का, जो तो ना तो हिंदी का अखबार का पेपर पढ़ते हैं और ना ही अंग्रेजी का पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं निकालना देखो पी एच बार इंटरसेक्शन ई बार, हमें इसका मान निकालना है ठीक है। तो एच बार मतलब हिंदी का पेपर नहीं पढ़ती थी, ई बार मतलब ना तो अंग्रेजी की पढ़ती थी। तो ऐसे छात्र में ढूंढने थे ठीक है जो ना तो हिंदी का पेपर पढ़ते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन लगेगा ठीक है, हिंदी और ठीक है ये वाला और ठीक है, और मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन लगाना तुम्हें, ये चीज निकालना ठीक है। देखो इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले एक थ्योरम लगा देते हैं वो, तो यहाँ पे हो जाएगा पी एच यूनियन ई का होल बार। तो यहाँ पे डी मॉबर थ्योरम लगाएंगे ठीक, डी मॉबर थ्योरम लगाएंगे, समुच्चय में पढ़ा था ठीक क्लास इलेवेंथ में डी मॉबर थ्योरम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अलग अलग बार लगा था हमने, होल बार लगा दिया, होल बार लगाएंगे तो क्या इसका बीच वाला जो साइन होता ठीक पलट जाता है, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, अगर यहाँ पे यूनियन है तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब देखो इसके बाद हम लोग इसका दो मान कैसे निकालेंगे, इसका मान ठीक है, इसका मान निकाल लेंगे हम लोग वन से घटा देते, वन माइनस एच यूनियन ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एच यूनियन ई हो जाएगा। अब देखो ठीक वन माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये पी इसका दो फॉर्मूला लगाते ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगाओ तो इस पी एच यूनियन ई का, तो ये हो जाएगा पी एच प्लस के पी माइनस के हो जाएगा पी एच एच इंटरसेक्शन ई हो जाएगा, ये आ जाएगा देख लो ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो ये जाएगा हमारे पास देखो पी एच बार इंटरसेक्शन ई बार ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा वन माइनस, चलो मान रखो इन सबके देखो इन सबके देखो हम लोग मान रख देते देखो यहाँ पे ठीक है, साठ बटे सौ लिख देते देखो, साठ बटे सौ प्लस चालीस बटे सौ माइनस के बीस बटे सौ करो देखो ठीक है कितना हो जाएगा, तो वन माइनस ये जाएगा हमारे पास सौ, ये जाएगा अस्सी हो जाएगा ठीक है, अस्सी बटे कितना जाएगा देखो सौ आ जाएगा। आप देखो ठीक यहाँ पे लास्ट वाले ठीक कितना आएगा, देखो ये आएगा हमारे पास सौ माइनस के अस्सी, सौ माइनस के देखो अस्सी हो जाएंगे ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा, देखो बटे में आ जाएगा हमारे पास सौ आ जाएगा ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास बीस बटे कितना आ जाएगा सौ आ जाएगा, सौ कर लो ठीक कितना आएगा, देखो एक बटे पांच आ जाएगा, ये आ गया ठीक हमारे पास पी एच बार इंटरसेक्शन ठीक है, यहाँ पे एच बार इंटरसेक्शन ई बार। तो ठीक ही आ गया, तो पहले वाले का आंसर आ गया ठीक है, वो एक बटे पांच आएगा इसका। तो ठीक इसका देखो दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, दूसरा पार्ट बी पार्ट ही देखो, वो हिंदी का पेपर पढ़ती है ठीक, तो उसके अंग्रेजी का पेपर पढ़ने की प्रायिकता बतानी, देखो हिंदी का पहले से पढ़ रही थी डांस देखना, तो हम यहाँ पे इसको सेकेंड पार्ट को ऐसे देखो, मैं क्या निकालना हमें ये निकालना, तो वो हिंदी का पहले से पढ़ती थी अंग्रेजी का पढ़ने की प्रायिकता बताओ, ये जगह हमारे पास पी देखो यहाँ पे ठीक ई इंटरसेक्शन क्या जाएगा एच, बटे में क्या जाएगा नीचे पी एच आ जाएगा। अब तो यहाँ पे इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते कि पी एच इंटरसेक्शन क्या लिख सकते ई, अब बटे में नीचे कितना होगा पी एच हो जाएगा। अब देखो इंटरसेक्शन की तो प्रायिकता कितनी है, दो इंटरसेक्शन की प्रायिकता वैसे हमें पता थी कि बीस बटे कितना था बीस बटे सौ, टोटल देखो टोटल बटे में कितना आएगा, तो टोटल बटे में आएगा पी एच, पी एच का मान कितना था, पी एच का मान था साठ बटे साठ बटे सौ ठीक है, ये देखो ये से कैंसिल कर दो कितना आएगा बीस बटे साठ आ जाएगा ठीक है, यहाँ पे बीस बटे साठ कितना आएगा तो एक बटे तीन आ जाएगा, कितना आएगा तो एक बटे तीन आ जाएगा। अब आ जाओ ठीक है, इसके बाद तीसरा पार्ट ठीक है, तीसरा पार्ट देखो क्या कर रहा है, तो तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट लिखा है, तो वो यदि वह अंग्रेजी का पेपर पढ़ती है ठीक है, तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता बताओ, तो अंग्रेजी का पेपर पहले से पढ़ती ठीक है, तो हिंदी के पेपर पढ़ने की प्रायिकता बताने, तो इसको देखो मैं क्या करना, देखो अंग्रेजी का पहले से पढ़ती तो ई नीचे रखना एच ऊपर रखना, देखो जो चीज काम पहले होता ठीक है उसको नीचे रखते हम लोग ठीक है, अंग्रेजी का पेपर पहले से पढ़ रही थी उसको नीचे रखना, हिंदी के पेपर पढ़ने की प्रायिकता निकालनी थी तो एच को ऊपर रखना है, ये जगह हमारे पास पी एच इंटरसेक्शन ई बटे में कितना जगह पी ई हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी है, देखो इंटरसेक्शन की प्रायिकता हमारे पास थी
देखो याद है मैं 20 बटे कितना था 100, और इसकी पीई देखो अंग्रेजी कितनी थी, अंग्रेजी थी हमारे पास 40 थी, 40 बटे 100 आ जाएगा, 40 बटे में 100 ये आएगा ठीक, कैंसिल कर दो ठीक, कितना आएगा देखो ये आएगा 20 बटे 40 आएगा ठीक, काट दो ठीक, कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 ठीक। तो ये हमारे पास क्या आगे देखो आंसर आ गया, इस तरह से करना सॉल्व ठीक। देखो ये क्वेश्चन था, एक बार आंसर को देखो चेक कर लेते ठीक, सारे आंसर आगे कि नहीं है, सारे आगे ठीक, सारे आंसर आगे ठीक, लिख लो जल्दी से, नोट कर लो सही है ठीक, लगा लो ठीक, नोट कर लो सभी लोग। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे नोट करो, ये नोट कर लो, आगे रखो जल्दी से, ये नोट कर लो, चलो चलिए इसका बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते, देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 17 नंबर ठीक है, देखो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 500 का एक जोड़ा उछाला जाता है, देखो 500 का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और निम्नलिखित में से क्या है। अच्छा देखो ठीक, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, देखो चेक करना ठीक कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो ठीक यहाँ पे सॉल्व करते थे वो ध्यान देखो, तो देखो यहाँ पे हम लोग घटनाएं मान लेते देखो ठीक, एक घटना मान लेते, देखो एक क्या मान लेते पहले पासे पर, ऐसे मान लेते देखो पहले पासे पर ठीक, पहले पासे पर सम अभाज्य संख्या ठीक, सम और अभाज्य, सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, देखो सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो देखो इसके हम लोग प्रायिकता भी निकाल लेते, देखो देखो सम अभाज्य संख्या ठीक, वी क्या मान लेते, देखो वी ऐसे मान लो ठीक, वी मान लेते दूसरे पासे पर ठीक है, तो दूसरे पासे पर, दूसरे पासे पर ठीक है, देखो दूसरे पासे पर सेम लिख देना ठीक है, सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता लिख देते देखो ठीक है, दूसरे पासे पर, दूसरे पासे पर ठीक है, सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, सम अभाज्य संख्या की प्रायिकता ठीक, दूसरे पासे में सम अभाज्य संख्या की प्रायिकता, देखो ठीक है ये आ गया। अब देखो इसके बाद इसका देखो पी ए ठीक है, देखो प्रायिकता निकाल लो, देखो ठीक प्रायिकता देखो कितनी होगी, देखो सम और अभाज्य ठीक है, देखो सम अभाज्य संख्या देखो, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे देखो यहाँ पे ठीक, इसको हटा के ऐसे लिख देते देखो यहाँ पे, तो हमारे पास जो एस होगा ठीक है, एक उछाल में देखो, एक उछाल में ऐसे लिखना है यहाँ पे ठीक, क्या लिखेंगे एक, एक उछाल में ठीक है, दो एक उछाल में एस बराबर दो कितना हो जाएगा, पासे की एक उछाल में ऐसे लिखो ठीक है, पासे की एक उछाल में ठीक है,
पासे की एक उछाल में, ठीक है, दो पासे की एक उछाल में, ठीक है। एस बराबर होता है हमारे पास एक दो तीन चार पांच छ, और ई दो ई क्या है हमारे पास सम अबाज संख्या, ठीक है, यहाँ पे सम अबाज संख्या, ठीक है, यहाँ पे सम और अबाज, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये देखो हमारे पास ई कितना होगा, तो दो एक ऐसी संख्या थी जो सम भी और कैसी है अबाज भी है। अबाज संख्या कौन सी होती है, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है, वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं अबाज संख्या कहलाती हैं, और एक अबाज संख्या नहीं होती, ठीक है। अबाज संख्या कहां स्टार्ट होती है, दो से, दो तीन पांच, फिर नेक्स्ट होती है सात, ठीक है, ऐसी आगे आती फिर ग्यारह आती है, ये हमारे पास अबाज संख्या होती है। और सम और अबाज, ठीक है, एक ही ऐसी संख्या कौन सी, दो एक ऐसी संख्या जो सम भी है और कैसी है अबाज भी है। तो यहां से देखो पी ई आ जाएगा हमारे पास, पी ई कितना जाएगा दो, तो ये आएगा दो बटे टोटल कितना आएगा, देखो पी ई बराबर एन ई बटे कितना जाएगा एन एस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास एन ई बटे में कितना जाएगा एन एस, एन ई बटे एन एस, ठीक है, कितना जाएगा ऊपर आएगा हमारे पास एक आएगा, ठीक है, एक आएगा यहाँ पे आ जाएगा एन एस मतलब कितना छह, तो एक बटे छह आ जाएगी दो ऊपर आएगा कितने आएगा देखो एक बटे छह, तो हमारे पास देखो यही प्रायिकता किसकी होगी, देखो यही प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास पी ए, अगर हम पी ए की निकालते देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, अब इसकी निकालते देखो तो पी ए कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे देखो एक बटे यहाँ पे पी ए, ठीक है, तो यहां से हमारे पास देखो पी ए आ जाएगा हमारे पास कितना एक बटे छह, और पी बी भी आ जाएगा देखो एक बटे छह, तो अभी तो कह रहा था देखो दूसरे पास पर सम अबाज संख्या, ठीक है, एक पासे पर सम और अबाज संख्या आने की प्रायिकता कितनी होती है एक बटे छह होती है। अब आ जाओ हमें क्या करना था, दोनों पासों पर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे दोनों पासों पर, दोनों पासों पर, ठीक है, यहां पर लिखेंगे दोनों पासों पर, दोनों पासों पर सम अबाज संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है, सम अबाज, सॉरी यहां पे सम और अबाज, ठीक है, देखो सम अबाज संख्या, सम अबाज संख्या आने की प्रायिकता, सम अबाज संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगी, देखो प्रायिकता, ठीक है, मतलब पी ए इंटरसेक्शन वी निकालना हमें, ठीक है, क्या निकालना है, दोनों पासों पर क्या आने चाहिए सम और अबाज संख्या आने चाहिए। तो यहां से देखो, ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लेते इसको, देखो अब यहां से ये हो जाएगा, देखो पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जो घटना है हमारे पास, ठीक है, घटनाएं यहाँ पे जो है वो स्वतंत्र घटना है, घटनाएं ए और बी कैसी है, ए और बी स्वतंत्र घटना है, ए और बी स्वतंत्र घटना है, देखो स्वतंत्र घटनाएं हैं, दो स्वतंत्र घटना, ठीक है, यहाँ पे घटनाएं स्वतंत्र है, ठीक है, क्यों स्वतंत्र है, देखो यहाँ पे जैसे दो पासे तुमने उछाले, ठीक है, अब पासे पे दो अंक का आना स्वतंत्र होता है, कुछ भी आ सकता है, पहले पासे पे आ सकता है एक दो तीन चार पांच छह आ सकता है, दूसरे पासे पे आ सकता है एक दो तीन चार पांच, जो दो पासे तुमने उछाले, ठीक है, पासों पर अंक का आना क्या है स्वतंत्र घटना है, इसीलिए देखो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा एक बटे छ इंटू एक बटे छ, टोटल आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा देखो एक बटे छत्तीस आ जाएगा, तो ठीक है, चेक कर लो देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा, ये आंसर आ गया हमारे पास, देखो ठीक है कौन सा ऑप्शन आ रहा था, चेक कर लेते दो, ठीक है, एक बटे छत्तीस, डी ऑप्शन सही आ रहा, ठीक है, देखो डी ऑप्शन तुम्हारा सही है, यहां पे लिख देना, ठीक है, डी ऑप्शन तुम्हारा सही आएगा, ठीक है, यहां पे डी ऑप्शन लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, डी ऑप्शन लगा लो, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग, जल्दी से लिखो, ठीक है, नोट करो, नोट कर लो, चलो चलिए आगे लिखो जल्दी से, आगे नोट करो, ये नोट कर लो जल्दी से,
एंगल को इसे ये नोट कर लो, एंगल को जल्दी से ये नोट कर लो, इसके बाद देखो टीम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 18 नंबर, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑप्शन है देखो टीम, दो घटनाएं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि, मतलब स्वतंत्र घटनाएं किसे कहते हैं। देखो तो देखो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है ठीक, ए और बी परस्पर अपवर्जी। देखो अपवर्जी घटनाएं अलग होती है, अपवर्जी में क्या होता है कि इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है, फाई होता है, और इनकी जो प्रायिकता जो होती है ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, जीरो होता है ये। और स्वतंत्र घटनाओं में क्या होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, पी ए इंटू पी बी के बराबर, पी पी ई इंटू पी एफ के बराबर होता है। सॉरी यहाँ पे ए लिखना ठीक, यहाँ पे ए ए लिखना, यहाँ पे ए लिखो ठीक, पी ए इंटू किसके बराबर होता है, पीबी के बराबर होता है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता किसके बराबर होता है, पी ए इंटू पीबी के बराबर होता है। देखो ठीक ये कंडीशन होती है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो गलत है ठीक, और ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी नहीं हो सकता है, पी ए बराबर पीबी नहीं होता, ये भी कंडीशन, और ये भी गलत है ठीक, ये भी नहीं होता है, ये भी गलत है ठीक। तो देखो ये वाला ऑप्शन सही है तुम्हारा ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो यहाँ पे ये गलत कर दो, ये गलत है ठीक, ये गलत, ये सब गलत है ठीक, ये वाला ऑप्शन सही है। और देखो ये सही है ठीक है, अब देखो बचा तो बी ऑप्शन है, तो बी सही होगा, तो डायरेक्ट हम कर सकते ठीक है, नहीं तो हम देखो तुम्हें सॉल्व करके दिखा देते ठीक है। देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें लिखेंगे ए और बी परस्पर स्वतंत्र घटना है ठीक है, ए और बी परस्पर स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है ठीक है। देखो कैसी घटना है, देखो ये स्वतंत्र घटना है ठीक है, अगर स्वतंत्र है तो इसकी इंटरसेक्शन, देखो ए इंटरसेक्शन जो बी होता है ठीक है वो किसके बराबर होता है, देखो ए इंटरसेक्शन जो बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। बोलो पढ़ चुके हैं हम लोग ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये वाला जो पार्ट लिखा ठीक है, देखो इसका हम लोग एलएक्सिस लिख देते, एलएक्सिस लिख लो, क्या लिखा देखो, पी ए डैश और वी डैश ठीक है। वैसे देखो ये क्वेश्चन ठीक है, या तो तुम ये कह सकते हो थोड़ा डिस्टर्ब लिखा ठीक है, वैसे यहाँ पे बीच में हमारे हिसाब से ठीक है, यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बीच में इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे ऐसे लिखोगे, अगर ऐसा कहीं लिखा है ठीक है, बीच में अगर आप कुछ नहीं लिखा ठीक है, गोड़ा लिखा ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या लगाओगे, इंटरसेक्शन लगाना तुम्हें। अब इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम डिमायबर थ्योरम लगाएंगे। देखो डिमायबर थ्योरम क्या होती है कि यहाँ पे देखो अलग अलग देखो डैश लगा ठीक है, तो हम पूरे को होल डैश लगा देते, देखो जब होल डैश लगाएंगे हम लोग ठीक, होल डैश लगाएंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, याद करो ठीक है, ये जो साइन है क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन है, यूनियन बदल जाएगा। अब इसका मान निकाल लो, इसका मान कैसे निकालेंगे, देखो इसका मान जब निकालेंगे हम लोग ठीक, तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास, वन से घटा देंगे ठीक, वन माइनस पी ए ए यूनियन बी हो जाएगा, ए यूनियन बी ठीक। अब देखो इसका मान कैसे निकालेंगे, वन माइनस ये जाएगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला लगा दो ठीक, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, देखो पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, इसका फॉर्मूला लगा दिया ठीक है हमने यहाँ पे, पी ए यूनियन बी का ये जाएगा हमारे पास वन माइनस पी ए, और ये जाएगा हमारे पास माइनस के देखो अंदर जाएगा पी बी हो जाएगा प्लस। आप इसकी जगह देखो क्या लिख सकते हो, घटना कैसी है हमारे पास, स्वतंत्र है, देखो घटना कैसी है, स्वतंत्र ठीक है, तो स्वतंत्र में क्या होता है, गुणा हो जाएगा, घटना स्वतंत्र ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, गुणा कर देते ठीक, यहाँ पे हो जाएगा पी ए इंटू क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से। देखो ठीक इसको हम लोग, इसको यहाँ पे ऐसे रखो ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं वन माइनस पी ए लिख लेते, देखो ऐसे ब्रैकेट में ठीक है, यहाँ पे वन माइनस पी ए, अब ये आ जाएगा देखो ठीक है, यहाँ से माइनस का पी बी कॉमन ले लो, माइनस का पी बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास पी ए बचेगा, ये आ जाएगा। अब देखो दोनों से ये चीज कॉमन ले लो ठीक है, दोनों से ये कॉमन आएगा तो कितना जाएगा, वन माइनस ये जाएगा पी ए आ जाएगा ठीक है, सॉरी यहाँ पे ए लिखना ठीक है, सॉरी यहाँ पे सॉरी पी ए लिखना था ठीक है, तो ये दोनों एक साथ लिख दे ठीक है, तो ये जगह पी ए, और यहाँ से दो ठीक, दोनों से कॉमन ले लो ठीक है, दोनों से कॉमन आ रहा, तो बचेगा हमारे पास यहाँ पे दो वन बचेगा, क्या बचेगा वन माइनस, और यहाँ पे बचा हमारे पास कितना पी वी बचा, ये बचा देखो, देखो यही ऑप्शन में आ भी रहा था ठीक है, तो ये लिख लेते पी ए डैश इंटरसेक्शन क्या होता है वी डैश,
ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो अभी चेक कर लेते, देखो ठीक है, देखो यही देखो यहाँ पे आ रहा था, देखो ठीक है, चेक कर लो, देखो ये लिखा था, देखो तो इसलिए बी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, ठीक है, या तो फिर यहाँ पे वी सही, ठीक है। अब इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते, देखो ऐसे भी हम लिख सकते, क्या लिख सकते, देखो कि पी ए डैश इंटरसेक्शन क्या लिख सकते हैं, वी डैश बराबर, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग पी ए डैश लिख सकते हैं, पी ए डैश इंटू क्या लिख सकते हैं, पी वी डैश लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो याद करो हमने बताया था, तो ठीक है हमने याद करो पीछे लिखाया था थ्योरी में, अगर ए और बी परस्पर स्वतंत्र घटना है, ठीक है, तो लिखाया था कि ए डैश और बी डैश ये भी कैसी घटना होती है, स्वतंत्र घटना होती है। देखो यहां से प्रूव हो गया ये घटना कैसी है, तो वो स्वतंत्र है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर है, पी ए डैश इंटू पी बी डैश के बराबर है, यहाँ पे इंटरसेक्शन देखो गुणा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं अतः ई डैश और एफ, सॉरी ई डैश और वी डैश, ए डैश और बी डैश, ठीक है, कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है, चलो ठीक है, सब लोग नोट कर लो जल्दी से, लगा लो ठीक, नोट कर लो जल्दी से इसको, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे नोट कर लो, ये नोट कर लो जल्दी से, चलो अच्छा ठीक है। अब तुम्हारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग ठीक है करेंगे, ठीक है, उसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बेस प्रमेय, ठीक है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।